माई नेम इज़ अमन कुमार। और देखो, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जे जे थॉम्सन मॉडल एंड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इन तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे इसमें, ठीक है ना। बड़ा ही ईजी होने वाला है कि स्टार्टिंग में हम एटम की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको सबको पता है, अगर मैं बात डेफिनेशन ऑफ एटम की करता हूँ, एटम को डिफाइन करने की करता हूँ, तो आपको पता है एटम आपका the smallest part of any matter, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट जो फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, क्या कर सकता है। The smallest part of any matter that can participate in physical as well as chemical reactions, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी मैटर है, आप सबको पता है कि वो एटम्स से मिलकर बना होता है, और एटम्स उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर, एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, एटम का जो सेटअप होता है, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में डिस्कस किया जाए। तो देखो, थॉम्सन कोई साइंटिस्ट हुए, उन्होंने डिस्कस किया था एटम की कॉन्फ़िगरेशन को, और कुछ ऐसे डिस्कस किया था, मैं आपको बताता हूँ, इस साइड बताता हूँ मैं, जो जे जे थॉम्सन हुए हैं, इन्होंने जस्ट एक वाटरमेलन के वजह से एटम को रिप्रेजेंट करने की ट्राई की थी, जस्ट लाइक दिस। और अकॉर्डिंग टू थॉम्सन, एनी एटम कंटेन, या आप कह सकते हो इन बिल्ट रखता है क्या, प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। हालांकि बाद में क्लियर हुआ था कि कोई भी जो आपका न्यूक्लिया या कोई भी आपका एटम होता है, तो उसके अंदर आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, ये बाद में क्लियर हुआ था। बट अकॉर्डिंग टू जे जे थॉम्सन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स तीनों किसी भी एटम के इनसाइड ही लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर थॉम्सन के भी ड्रॉबैक रहे थे, उसके बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड के भी ड्रॉबैक रहे हैं कुछ। एक के बाद जो एक साइंटिस्ट आए, वहाँ से कुछ ऐसे हमें पॉइंट मिलते रहे, कुछ ऐसे एविडेंस मिलते रहे, जिनके बिहाफ से जो भी नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने उनकी हेल्प से अपने आप को या अपने पोस्टुलेट्स को इम्प्रूव किया है, ओके। तो इसी के दौरान देखिए आप, जो आपका रदरफोर्ड, अब मैं अगर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ, तो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सेटअप को डिस्कस करेंगे। सेटअप बड़ा ईजी सा है। यहाँ पर हम स्टार्टिंग के अंदर क्या लेंगे, आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स लेंगे, अल्फ़ा रेज को लेंगे, और अल्फ़ा रेज पे आपको पता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन चार्जेस रहते हैं। न्यूट्रॉन आपको पता चार्जलेस है, इट मींस यहाँ पर ओनली 2 प्रोटॉन चार्ज रहेगा, यानी पॉजिटिव 2e चार्ज लेंगे हम अल्फ़ा पार्टिकल्स का, ठीक है। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाएंगे हम किस पर, किसी गोल्ड फॉइल्स पर। एक थिन गोल्ड फॉइल ली हमने, ये आपको सामने दिखाई दे रही होगी थिन गोल्ड फॉइल, इस पे हम बम्बार्डिंग कराएंगे, और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या होंगे, जनरेट होने वाले हैं। और पर्टिकुलर यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल नैरो होल किया है, इस नैरो होल से एक पर्टिकुलर रे यहाँ से इजेक्ट होगी, यहाँ से बम्बार्डिंग होगी किसकी, अल्फ़ा पार्टिकल्स की, और ये एक लेड प्लेट से होते हुए डायरेक्टली आपकी जो गोल्ड फॉयल है उस पर स्ट्राइक करेंगे। और उसके जो पीछे बिहाइंड मैंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई है, जिसको एज ए डिटेक्टर वर्क करने वाली है, जो आपकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन रहेगी, ये जो आपको साफ दिखाई दे रही है, ये वाले ये स्क्रीन, ठीक है। ये अब इसके बाद देखो हम क्या डिस्कस करते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमने ओनली अल्फा पार्टिकल्स का ही क्यों यूज़ किया, आप सबको पता है कि ये काफ़ी हैवियर होते हैं, इनकी एनर्जी का लेवल काफ़ी हाई होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स का, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जनरेट होते हैं, तो जो आपकी ये डिटेक्टर है, जो स्क्रीन जो पीछे लगाई है, इस पर जो ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे किसको, कंक्लूजन्स को, लास्ट में क्या आपके कंक्लूजन्स निकले हैं, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ही आपके यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग हमने गोल्ड थिन फॉइल्स पे करवाई, तो जो चीज़ हमने नोट की, जो चीज़ प्रैक्टिकल, जो चीज़ एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्जर्व की गई, उसको मैं ना दो तरीके से बताता हूँ आपको। देखो, एक बार सपोज करो ये कोई आपकी कॉटन बॉल है, ओके, और इस कॉटन बॉल पर मैंने किसी भी बुलेट से
फायर आउट किया इस पर, तो और मैंने पीछे लगा दिया कोई स्क्रीन को ऐसे, ये कोई स्क्रीन है ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ से इस पर बुलेट को ड्रॉ किया, इस पर मैंने बुलेट से प्रेशराइज किया गया, तो अब बुलेट जो होती है वो आपकी डायरेक्टली इसको क्रॉस कर गई ऐसे 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 लाइक दिस एंड लाइक दिस। बट एट द सेंटर पॉइंट जो आपकी बुलेट थी, जिससे मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक तरह से फायरिंग की थी, तो ये जो बुलेट थी जो सेंटर पॉइंट से यहाँ पर जैसे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करते ही ये अपने पाथ को रिट्रेस कर गई। क्या कर गई? रिट्रेस, वापस आ गई बुलेट। तो यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई, ऑब्जर्वेशंस ये हुई कि भाई या तो कोई भी एटम है उसका जो सेंटर पार्ट है उस पर कोई वेरी हाई डेंस्ड, कोई बहुत ज़्यादा डेंस्ड कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट है जिस पे आपकी बुलेट ने स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट बैक कर गई, या फिर दूसरा ऑप्शन ये आया कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई आपका चार्ज है, कोई ना कोई चार्ज है, उस चार्ज के कारण जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। ये सब बातें हमें इस प्रैक्टिकल सेटअप के दौरान ही पता लगा है, ठीक है। मैं दोबारा से देखो बताता हूँ, जैसे ही ये आपके अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की गई, किस पर? आपकी जो गोल्ड प्लेट है उस पर, तो जो मैक्सिमम जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे लाइक दिस 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जो पार्टिकल्स थे जो डायरेक्टली जाके स्क्रीन पर स्ट्राइक कर रहे, तो आपको मैं बता देता हूँ, स्क्रीन पर जैसे ही आपके अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर ग्लो जनरेट होती है। ग्लो के बिहाव से हम जज कर लेते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं कि भाई अल्फा पार्टिकल्स जो गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके आ रहे हैं वो कितने एंगल पर गोल्ड फॉइल के रेस्पेक्ट में आपकी जो स्क्रीन है उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं। ये ग्लो करती है यहाँ पे, जो आपकी मैंने बताया है स्क्रीन ZNS स्क्रीन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, ये देखो यहाँ तक क्लियर होगा। दूसरी बात फिर क्या थी कि जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे, जो टोटल अल्फा पार्टिकल्स जो ट्रैवल कर रहे थे एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन से, वो जैसे गोल्ड फॉइल से निकले तो उनमें से कुछ, जिसको कहते हैं मोर देन 1 डिग्री एंगल, 1 डिग्री एंगल से ज़्यादा क्या कर गए, डाइवर्ट हो गए अपने पाथ से, डाइवर्ट समझो डाइवर्जन हो जाना, अपने पाथ से हट जाना। तो 1 डिग्री या उससे ज़्यादा जो एंगल से डाइवर्ट हुए वो अमाउंट भी, वो नंबरिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी। थर्ड जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, थर्ड पॉइंट ये रहा कि आउट ऑफ 8,000 8,000 अल्फा पार्टिकल्स में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से रिट्रेस हो जाता है। रिट्रेस मतलब कि वो आपका अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल की साइड आएगा और जिस लाइन ऑफ साइट से वो आया उसी लाइन ऑफ साइट से वो गो बैक कर जाता है, रिट्रेस हो जाता अपने पाथ से। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस थी जो इस प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटल सेटअप के दौरान रदरफोर्ड जी ने नोट की थी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स निकलेंगे, ऑब्जर्वेशंस जो थी वो तो मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं, अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स आने वाले हैं कि भाई इन कंक्लूजन्स के बिहाव पर हम क्या जज कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं, वो मैं डिस्कस अभी देखो आपसे करता हूँ। देखो यहाँ पर तो ये बोलता है सम डेविएट थ्रू स्मॉल एंगल्स, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्मॉल एंगल से डेविएट हो चुके थे। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू विदाउट डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल देखो सामने मैं दिखा रहा हूँ ये बिना किसी, हालांकि मैंने थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो कर रखा जस्ट आपको दिखाने के लिए, अगर मैं इस लाइन्स को सारों को बिल्कुल पैरेलल कर देता तो आई थिंक एक वाइड लाइन बन जाती जिस पर आप कन्फ्यूज हो जाते। तो बोलता ये है कि मोस्ट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आए थे ऐसे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले थे ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे इन अल्फा पार्टिकल्स में से कहता है कि मोस्ट ऑफ तो क्या चले गए, स्ट्रेट चले गए विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना कोई डिफ्लेक्शन दिए। दूसरा बोलता है कि सम कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो गए, मैंने आपको एंगल भी बताया था मोर देन 1 डिग्री एंगल से, ठीक है। और फिर बोलता है 8,000 में से एक अल्फा पार्टिकल दोबारा से अपने पाथ को रिट्रेस कर गया है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन हम कंसिडर करेंगे, जो मैंने कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है वो कंक्लूजन क्या रहेगा, वो देखो कंक्लूजन ये रहा कि जो मैक्सिमम पार्टिकल्स जो आपके गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए विदाउट डिफ्लेक्शंस, इट मींस देयर इज सम एम्प्टी स्पेस,
और नॉट ओनली सम एम्प्टी स्पेस, यहाँ पर एक एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी होता है. ड्यू टू दैट अल्फा पार्टिकल्स गो स्टेट विदाउट एनी टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन. ठीक है. दूसरा बोलता है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, उसने कंक्लूजन लिया लास्ट में, उसके अकॉर्डिंग बोलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज था. किस पर? उसके सेंटर पर, जिसको हमने न्यूक्लियाई का नाम दिया है. उस चार्ज के कारण कुछ अल्फा पार्टिकल्स, जैसे कि सपोज करो मैं यह यहाँ लेता हूँ, जैसे सपोज करो ये आपका न्यूक्लियाई है, इस पर कोई चार्ज है, तो जैसे ही इसके पास आपका अल्फा पार्टिकल आया तो ये क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया. और जो बिल्कुल मैंने कहा था, जो सेंटर में बिल्कुल उसे सेंटर टू सेंटर स्ट्राइक किया, वो आपस में क्या हो गया? रिट्रेस हो गया. क्या हो गया? वापस रिट्रेस हो गया. ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो जो आपका देयर इज ए सम चार्ज इन न्यूक्लियस, इसका मतलब कहाँ से ये कंक्लूजन लिया गया? क्योंकि यहाँ पर देखो, 1 डिग्री या मोर देन 1 डिग्री से जो भी लाइन्स आपकी डिफ्लेक्ट हो रही थी. हाँ हेलो, अभी देखो अपन डिस्कस कर रहे थे ना, किसको? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर रहे थे. उसकी जो कंक्लूजन था उसको मैं आपको दोबारा से ब्रीफ में बताता हूँ. देखिए, ये पूरा जो सेटअप है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली सेटअप बोलते हैं, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको. बिल्कुल, मैं दोबारा से आपको मेन इसकी जो ब्रीफिंग है, ऑब्जर्वेशंस और जो कंक्लूजन है, उसको एक बार फटाफट डिस्कस कर देता हूँ उसका. ठीक है ना? देखिए, कुछ भी नहीं किया हमने सब स्टार्टिंग में. इस पूरे सेटअप को समझने के लिए सिर्फ इतना समझिए, यहाँ पर मैंने बताया नहीं आपको, ये आपका क्या है? ये आपका कोई लेड का ग्लास का बॉक्स है, टोटली इंसुलेटेड है. इसमें हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को पुट कर रखा है. अल्फा रेज यहाँ से बम्बार्डिंग करेंगे. किस पर? थिन गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डिंग होने वाली है. तो लास्ट टाइम हम पिछली वीडियो में, जो लास्ट प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हम ऑब्जर्वेशंस तो डिस्कस कर चुके थे, कंक्लूजन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. उस कंक्लूजन के बारे में फिर आपको थोड़ा सा बताता हूँ. देखिए, आप सपोज कीजिए कि ये आपका दिखाई दे रहा होगा कोई गोल्ड फॉइल है. ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल. और यहाँ से कोई सोर्स है, किसका? आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करता है, लाइक दिस. ओके, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से आपके जो नैरो मैंने यहाँ होल किया है, और यहाँ से डायरेक्ट गोल्ड फाइल पे मैं बम्बार्डिंग करवा रहा हूँ. किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की. अब देखो, ज़्यादा समझने में आपको प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल बेसिक सा समझो. जो अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड प्लेट पे आके स्ट्राइक कर रहे थे, तो मैक्सिमम जो यहाँ पर मैंने स्क्रीन लगा दी है जो डिटेक्ट करेगी अल्फा पार्टिकल्स के लोकेशन को. ओके, तो मैक्सिमम जो थे वो ऐसे स्ट्रेट 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 आकर इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं. ये आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं जो गोल्ड प्लेट पे आके डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहे हैं. बट जितने भी अल्फा पार्टिकल्स यहां से बम्बार्ड होकर गोल्ड प्लेट पे आ रहे हैं, उनमें से कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. और ये जो एंगल है, दैट इज मोर देन 1 डिग्री, मैं पहले बता रहा हूँ आपसे. ठीक है, कुछ एक का डिफ्लेक्शंस इधर भी आएगा, कुछ एक का इधर भी आएगा डिफ्लेक्शंस. ठीक है, बट आउट ऑफ 8000 ओनली 1 अल्फा पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ. लगभग 8000 में से एक जो आपका अल्फा पार्टिकल्स था, वो दोबारा से आपका, आप कह सकते हो कौन सा एंगल बन जाता है, दोबारा से उसी पाथ को दोबारा रिट्रेस कर लें. जैसे कि आपका अल्फा पार्टिकल इधर आया और दोबारा इधर ही वापस आ गया है, समझ रहे हो ना? तो सेम जिस लाइन ऑफ साइट से वो स्ट्राइक करता है, उसी लाइन ऑफ साइट से रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है ओनली 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8000. ठीक है, यहां तक आपको सब समझ में आ गया है. अब यहाँ पर कंक्लूजन्स के हम डिस्कस कर रहे थे, क्या कंक्लूजन निकला है यहाँ से, इस पूरे सेटअप से, पूरी ऑब्जर्वेशन से हमारे पास जो डेटा निकल के आया, वो क्या निकल के आया, इसको डिस्कस करना है. तो देखो, बिल्कुल यहाँ से क्लियर था, अल्फा पार्टिकल पर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स. ठीक है, और ये भी 2e की फॉर्म में लिखते हैं हम इसको. तो जो ऑब्जर्वेशंस रही, वो ये ऑब्जर्वेशंस ली गई कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो विदाउट डिफ्लेक्शन सीधे जा रहे हैं. इट मींस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या रही? मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी. ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या रही? कुछ अल्फा पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. इट मींस यहां पर कोई ना कोई चार्ज है, और वो चार्ज भी पॉजिटिव है,
जो क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल्स को, जैसे सपोज करो कि यहाँ अल्फा पार्टिकल इसके जैसे पास आए इसको ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगा, जो अल्फा पार्टिकल्स को किसी न किसी एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है ड्यू टू रिपल्सन डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि कोई ना कोई चार्ज तो लाई करता है अल्फा पार्टिकल्स पे के डिफ्लेक्शन का जो रीजन है। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल क्लियर सी थी ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स में से यानी 8000 में से ओनली वन अल्फा पार्टिकल दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक कर गया। इट मीन्स कोई ना कोई बहुत हाई डेंसिटी का पार्टिकल या पार्ट है एटम के इनसाइड, जो क्या करता है कि आपके जो 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल उसके पास जाने की ट्राई करता है तो उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, रिट्रेस करवा देता है। और काफ़ी स्मॉल साइज है। क्यों स्मॉल साइज है? अगर उसका साइज बड़ा होता, जो भी हम इमेजिनरी पार्ट मान रहे हैं एटम के इनसाइड, अगर उसका साइज बड़ा होता तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास नहीं होने देता वो, किसी को मैक्सिमम को डिफ्लेक्शन करवाता या किसी को रिट्रेस करवाता अगर साइज बड़ा होता तो। इट मीन्स इनसाइड एन एनी एटम देयर इज वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स या पार्ट ऑफ एटम दैट, जिसको हमने बोला गया दैट नेम्ड एज न्यूक्लियाई, उसको हमने न्यूक्लियस के फॉर्म में बोला गया है कि वो आपका न्यूक्लियस होता है। और सेकंड, न्यूक्लियस तो होता है बट उस पर चार्ज क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज था, ऑब्वियस सी बात है उसको रिट्रेस अगर हो रहा है या उनको डिफ्लेक्ट कर करवा रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो जो आपका न्यूक्लियाई है, जो आपका न्यूक्लियस है, वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, बहुत स्मॉल साइज से है और काफ़ी हाई उसका डेंसिटी है बहुत भारी डेंसड है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि वो न्यूक्लियाई रिस्पॉन्सिबल है, उसका पॉजिटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल है किसी भी अल्फा पार्टिकल को रिट्रेस करने के लिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा पार्टिकल से क्यों यूज़ किए? ड्यू टू हाई एनर्जी। यहाँ पर वैक्यूम ग्लास के साथ में, वैक्यूम बॉक्स के साथ में एक नैरो होल किया गया, क्यों? एक पार्टिकुलर बीम बने, किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की। इसके बाद थिन हमने गोल्ड फॉइल को यूज़ किया है, ZNS स्क्रीन को यूज़ किया है। यहाँ पर आपका जैसे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे तो ये ग्लो करेगा, और यहाँ जब भी ग्लो होगा यहाँ पे तो हमें उसका एंगल का पता लग जाएगा। ठीक है, अभी आज का मैं जो वीडियो है इसके अंदर मेन मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हमने स्टार्टिंग में सेटअप किया है इसको, फिर इसकी ऑब्जर्वेशंस ली हैं, फिर हमने कंक्लूजन्स को डिस्कस किया है। टॉपिक अपना एटम्स रहा है, एटम के बारे में, एटम के सेटअप के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, जे थॉम्सन की जो ड्रॉबैक्स रही थी, जैसा कि जे थॉम्सन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के इनसाइड लाई करते हैं, उसको रिकवर किया रदरफोर्ड ने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।